आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। हरियाणा के जुडिशियल में चयनित शिवम गुप्ता का सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने किया स्वागत। सहारनपुर के अधिवक्ता अशोक के द्वारा गुरुवार को हरियाणा जुडिशियल में चयनित शिवम गुप्ता का बुके देकर स्वागत किया गया। एसओ अध्यक्ष अशोक पुंडीर, महासचिव नितिन शर्मा ने कहा कि शिवम गुप्ता ने हरियाणा जुडिशियल ने परीक्षा पास करके सहारनपुर का नाम रोशन करने का काम किया। सहारनपुर डीसीजी क्रिमिनल राजीव गुप्ता, स्वराज सिंह, राजन चौहान, अभय सैनी, सौरभ जैन, रमन गुप्ता, अमरीश पुंडी, राधे श्याम, फैशल खान, सिद्धार्थ शंकर त्यागी, रणधीर सिंह, बाबूराम, राजीव शर्मा, मोनिका विक्रम, आदित्य सिंह, आदित्य अंगिरीदास आदि लोग उपस्थित रहे। नाम बताओ भाई। शिवम गुप्ता, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज। तो आप ये जो बने हैं जज, तो इसका प्रेरणा किसे मानते हैं? प्रेरणा मेरे चाचा जी हैं, राजीव गुप्ता एडवोकेट और डीजीसी क्रिमिनल जो अभी, उनको बचपन से देखा हमने कोर्ट आते हैं, हमने देखा वो अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, तो मैं तो तब से मतलब लॉ करने का तब से ही मन बन गया था। और फिर जब मैं कोर्ट आता था मैं देखता था जज इसको और चाचा जी के साथ आता था, तब से मैंने जज बनने का मतलब बचपन का सपना था मेरा, वो आज पूरा हो। यानी कि जो जज बनने का सपना आपका बचपन का था, जो आपने साकार कर लिया। हाँ जी। तो ये आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं जो अधिवक्ता बन रहे हैं, इस बारे में उनको क्या संदेश देना चाहिए कि क्या किस मेहनत से पढ़ें कि आगे जज के मुकाम तक पहुँच सकें? मेरा बस एक ही मैसेज है, अगर कोई भी यूथ अगर जज बनना चाहता है तो मेहनत करें, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप जज नहीं भी बन पाते तो आप एक अच्छे एडवोकेट तो बने। जी, मैं नितिन कुमार शर्मा एडवोकेट, महासचिव सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर से। कार्यक्रम था, इस बारे में क्या करें? देखिए, हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच से ही हमारी जो बार के कर्मठ और जुझारू श्री राजीव गुप्ता जी, जो कि वर्तमान में डीजीसी क्रिमिनल हैं, उनके भतीजे शिवम गुप्ता हरियाणा की जुडिशरी में और मजिस्ट्रेट के पद पर चयनित हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो कि कई बार बहुत ही नकारात्मकता दिखाती है और कहती है कि आज तक कुछ हो नहीं पाता है, ऐसा नहीं है। ये एक अपने आप में ज्वलंत और बहुत ही शानदार उदाहरण है उस सफलता का, उस मेहनत का, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे शिवम गुप्ता जी हैं। मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और इनका भविष्य स्वर्णिम हो और ये उच्च पदों पर न्यायिक रूप से अपनी सेवाएं दें, सुशोभित करें, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।